पत्थर कहाँ से आ गए? लगता है मार्केट में खबर फैल गई है कि तुम्हारा खून बहुत मीठा है, सब चूसने आ गए। ये 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 एक मारा, ये दो मारा, ये तीन मारा, ये 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 मारा, ये मारा। ओ, ये दोनों इतनी रात को कवाली क्यों गा रहे हैं? अभी देखता हूँ। खबरदार, फिर दोबारा इतनी रात को कवाली गाई तो हड्डी पसली टूट गई। बॉक्सर भैया, हम सच कह रहे हैं, हम कवाली नहीं गा रहे थे। अच्छा, तो तुम कहना चाहते हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? अजीब पागल इंसान है, दूसरों को बोलने का मौका ही नहीं देता। अच्छा, तो मैं पागल इंसान हूँ? मेरा बस चले तो इसका कीमा बना दूँ। अच्छा, ये मारा। आप क्यों मेहनत करते हैं? आपका काम हमने ही कर दिया। तुम दोनों की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरा बहुत ख्याल रखते हो। ऊपर वाला सबको ऐसे अच्छे पड़ोसी दे। खसीटा राम जी, ये इतनी लंबी लाइन क्यों है? डॉक्टर झटका कहीं फ्री में दवा तो नहीं बांट रहे? अरे बाबा, शॉप को मलेरिया हो गया है और यहाँ कोई दूसरा डॉक्टर ही नहीं है। ओ यार, देखो ये दवा तुम सब घर ले जाओ और एक एक बूंद मच्छरों के मुंह में डाल देना, बस मलेरिया जड़ से खत्म हो जाएगा। ये हमारा मजाक उड़ा रहा है। रात भर मच्छर को पकड़ के उनके मुंह में दवा कौन डालेगा? मारो मारो, ये हमें उल्लू बना रहा है। मोटू मेरे यार, इन लोगों ने मुझे मारा क्यों? मैं तो इन्हें दवा दे रहा था यार। बड़े भैया, तुम कह रहे थे कि मच्छरों के मुंह में एक एक बूंद दवा डाल दो। अब मच्छरों को पकड़ना और उनके मुंह में दवा डालना मजाक है क्या? ओए कसम मेरे मरीजों की, जल्दी में शायद गलत बोल गया। और मैं तो कहना चाह रहा था कि इस दवा की एक बूंद अपने अपने मुँह में डाल लेना, मलेरिया जड़ से खत्म हो जाएगा यार। शुक्र है तुम बच गया, अभी तो तुम जड़ से खत्म होने वाला था। ओ चलो मेरे लैब में चलते हैं, मैं मच्छर खत्म करने की दवा बना रहा हूँ। तुम सब चलो, मैं समोसे लेकर आता हूँ। ओ कसम मेरे मरीजों की, ऐसी दवा बनाऊंगा जिसका धुआं मच्छरों को जड़ से खत्म कर देगा। दवा बन गई? बस तैयार हो गई। एक काम करो, जब मैं कहूँ तुम ये केमिकल जार में डाल देना। ओ मोटू मेरे यार, वो केमिकल डाल दो। समोसा। मोटू पतलू, ये लो, इस सिलेंडर को ले जाओ और जहाँ जहाँ मच्छर हो ये बटन दबाना, इसमें से गैस निकलेगी और मच्छर खत्म हो जाएंगे। हो जय हो। ओए मार सुटिया पापड़ वाले नू, ये तो गड़बड़ हो गई, मेरे केमिकल में समोसा पड़ा है। क्यों, आप दवा असर नहीं करेगा क्या? असर तो करेगी, लेकिन कैसा होगा ये पता नहीं। हो अब यहाँ एक भी मच्छर नहीं बचेगा। क्या पता, मुझे तो झटका की दवा पे कभी भरोसा ही नहीं रहा। ये क्या है? डॉक्टर झटका की दवा का सर, भागो! चलो इसे छुपते हैं। लगता है डॉक्टर झटका ने मलेरिया भगाने का कोई पुराना तरीका निकाला है। पुराना तरीका कैसा? पुराने जमाने में किसी भी काम के लिए लोगों की बलि चढ़ाते थे। झटका ने हमारी बलि चढ़ाने के लिए हमें भेजा था। वो देखो पेड़ के ऊपर ट्रक, जिसका ट्रक होगा वो तो गया काम से। वो नहीं, हम गए काम से। अपने चारों तरफ देखो। बचाओ! अरे, मागो मच्छर आ गए, मागो मच्छर आ गए।
है? अरे ये मागो मच्छर क्या होता है? उसका मतलब है भागो मच्छर आ गए, डर के मारे उल्टा बोल रहा है, भाग लो जल्दी वो आ रहे हैं। अरे मच्छरों से डरते हो? सुना सब्जी वाली, लोग शेर चीते से डरते हैं, ये मच्छर से डर के भाग रहे हैं। बड़े बहादुर बनते हो और मच्छरों से मच्छर आ गए। अब इसे क्या हुआ, ये क्यों डर गई हैं? तुम्हें ऐसे समय में भी भूख लगी है? घबराहट में भूख पड़ गई, लेकिन पूरा हिसाब लिख रहा हूँ, चाय वाले से धोखा नहीं कर सकता। पहले उसे बचाओ तो सही, वो देखो चिंगम आ रहा है। चिंगम सर, बड़े बड़े मच्छर शहर में आ गए हैं, लोगों को उठा रहे हैं, चाय वाले को उठा के ले गए। Why fear when chingam is here? चिंगम के चंगुल से बचना impossible। कहाँ है मच्छर, चलो मेरे साथ। मौसम अच्छा हो गया, धूप गई और काले काले बादल छा गए। ऊपर देखो सर, काले काले मच्छर है। इतने बड़े बड़े मच्छर, ऊपर कहाँ जा रहे हो, ऊपर से ही उड़ा ले जाएंगे। गोली चलाओ जल्दी। अब नहीं छोड़ेगा, एक एक को खत्म कर देगा। तुम दोनों बस नारियल से बचना। चिंगम सर, मच्छरों ने आपके नारियल हवा में ही कैच कर लिए और उनके इरादे देख नहीं नजर आ रहे। तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है, बिना लाइसेंस चलाना जुर्म है। मोटू कुछ करो जल्दी। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, तुम भी कुछ सोचो। आइडिया, वो डस्टबिन वहाँ छुपते हैं। क्या उल्लू बनाया। सॉरी बड़े भैया, मजाक कर रहा था। डॉक्टर झटका, बड़े भैया ये आपने क्या कर दिया? ओ मैंने देखा मच्छर लोगों को उठा के ले जा रहे हैं, वो जायंट मच्छर बन गए हैं और सब तुम्हारे समोसे की वजह से हुआ है। वो लोगों को उठा के क्यों ले जा रहे हैं? ओए खाने के लिए और क्या, ये जायंट साइज के मच्छर अपना शिकार कहीं छुपा के रखते हैं ताकि जब भी भूख लगे आराम से अपना भोजन कर सके। और मैंने उन्हें वापस छोटा करने की दवा बना दी है, लेकिन अब इस बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? बिल्ली के गले में घंटी क्यों बांधना है, बिल्ली का मच्छरों से क्या लेना देना? ओफो, वो कहावत कह रहे हैं, इसका मतलब है कि मच्छरों पे ये दवा कौन छिड़केगा? उड़ी बाबा, मच्छरों पे दवा छिड़कने का हमारा 20 साल का तजुर्बा है। थैंक यू घसीटा राम, हमें तुम्हारी बहादुरी पे नाज है। और हमें तुम्हारी बहादुरी पे नाज है। इस बटन को दबाना तो गैस निकल के मच्छर पे लगेगा सीधा। नहीं चलती। लेकिन मैंने तो अभी कुछ कहा भी नहीं। मुझे मालूम है तुम ये कहोगे मोटू कुछ करो, लेकिन अब तुम ही कुछ करो। चलो देखते हैं ये मच्छर सबको कहाँ लेके जा रहे हैं। मोटू मच्छर इधर ही आ रहे हैं, तैयार हो जाओ। मैं तैयार हूँ। स्टेडी, स्टेडी, गो, दवा डालो। तुम
भाग क्यों रहे हो? मच्छरों पे दवा डालना था। झटका की दवा का कोई भरोसा नहीं, वो मच्छर और बड़े हो गए तो। इससे अच्छा है कोई और तरीका सोचो सबको बचाने का। यार मेरे बड़े प्रा, तुम अपनी जान पर खेल के हमें बचाने आ गए हो। आओ और मच्छर मारने का दवा भी ले आए। मोटू पतलू जिंदा भाई, मोटू पतलू जिंदा भाई। अरे मोटू, तुम्हारा सारा उधार माफ मेरे दोस्त। एक महीने मुफ्त समोसे खाना। मुझे पता था तुम दोनों आओगे। चलो अब जो सुरंग मोटू पतलू ने हमारे लिए ढूंढी है उससे हम बाहर जाएंगे। सारा पुरपुरी नगर हमेशा तुम्हारा आपारी रहेगा। हिंदुस्तान की कसम, भारत माता की कसम, दोबारा मच्छर आए तो एक एक को देख लूंगा, ऐसे 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 करके मारूंगा। जेल की सजा कब खत्म हुई छोटू? ओए छोटे जॉन, अकेले मत घूमो करो यार, कोई बच्चा समझ के तुम्हें किडनैप कर लेगा। तू एकदम ठीक बोलता है डॉक्टर झटका। छोटू नहीं जॉन हूँ, और जॉन बनेगा डॉन, याद रखना। ए चाय वाले, जल्दी से कुछ मिठाई और समोसे दे दो। ए बेटा रास्ते से हटो। भैया 10 समोसे देना। अबे बिना दिमाग की खोपड़ी, बिना छत की झोपड़ी, मैं बच्चा देखता हूँ। अरे सॉरी बेटा। मेरी मिठाई और समोसे वैन में भेज दो, उधर सड़क के दूसरी साइड में। ये बच्चा किसका है? देखो रोड क्रॉस कर रहा है। बेटा तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ है? गाड़ी वाला आदमी, शर्म नहीं आती, मेरे गोद में चढ़ा था। अरे ये बॉस हमें छोड़ के लुढ़कते हुए तो कहाँ जा रहे हैं? तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, फिर भी अपने छोटे कद से परेशान हूँ मैं। वाह बॉस वाह, क्या कविता बनाई है, हैना नंबर दो। हाँ? कविता को छोड़ो और मेरी कल पढ़ाने की दवा बताओ। बॉस यहाँ से 200 मील दूर काली पहाड़ी के ऊपर एक साधु रहते हैं, उनके पास कद बढ़ाने की दवा है। मैं जाऊँगा अपना कद बढ़ाने के लिए, कहीं भी जाऊँगा, कैसे भी जाऊँगा। बॉस इस बार कविता कुछ जमी नहीं। बिना लगाम की जुबान, बिना सामान की दुकान, मैं कविता नहीं सुना रहा था, मैं जा रहा हूँ। साधु जी मैं आ रहा हूँ। महाराज की जय हो। जय हो जय हो जय हो, प्रभु आपने मेरी सुन ली, मेरी तपस्या सफल हुई, आज आप स्वयं यहाँ आ गए। लेकिन आप दिख नहीं रहे प्रभु, दर्शन दो भगवान, दर्शन दो। दर्शन ही तो दे रहा हूँ, नीचे देखो। तुम कौन हो बालक? प्रभु क्या आप एक बालक के रूप में आए हो? मैं धन्य हो गया। ना तुम धन्य हो गए और ना मैं तुम्हारा प्रभु हूँ और ना ही बालक। मैं अपना कद लंबा करने की दवा लेने आया हूँ। मैं हूँ डॉन। मैं तुम्हें कोई दवा नहीं दूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। जैसी तुम्हारी इच्छा महाराज। देता हूँ, जान है तो जहान है। बालक बंदूक हटा दे। ये तो बहुत कम है। नहीं नहीं, ये क्या किया तुमने, पूरा नहीं खाना था। अब बोलो,
तू जॉन। अरे मैं हूँ बिग जॉन और जॉन बनेगा डॉन। ये इतनी तेज रोशनी कैसे हो गई? हमारी छत कहाँ गई? अरे छत नहीं गया, पूरा घर ही गया। अरे यहाँ है। क्या सपना है जॉन, एकदम राक्षस की तरह लग रहा है। मैं तो डर ही गया था। अरे मोटू जाग जा, वरना ये हमेशा के लिए सुला देगा। ये सपना नहीं, असली जॉन है। जाने कैसे इतना बड़ा हो गया। ये असली है, फिर रुके क्यों हो, भागो। तुम्हें कोई नहीं बचाएगा, जॉन तुम्हें हमेशा के लिए सुलाएगा। वाह बहुत सुंदर, क्या कविता बनाई है। मोटू जल्दी कुछ करो। मैं क्या करूं, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। तुम ही कुछ करो। आइडिया, जैसा मैं करूं तुम भी करो। बस वो आपकी शहर में चले गए, शहर में। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे कुछ गुदगुदी हो रही है। रुको रुको। चिंगम सर, जॉन बहुत बड़ा हो गया है, वो सबको मार रहा है। हाँ सर, कुछ करो जल्दी। Wife here, when Chingam is here, किधर है? किधर है वो? वो देखिए, वो रहा। अय अम्मा, ये जॉन है कि कौन है? Hello Chingam, how are you? Fine, thank you. चिंगम कहाँ भाग रहे हो? आज नहीं कहोगे। चिंगम के चुंगल से बचना इम्पॉसिबल, बोले तो इम्पॉसिबल। ओए मैंने और घसीटा राम ने भी उसे देखा है। उसे वापस छोटा करने का एक तरीका है मेरे पास। उसके मुंह में अगर ये दवा डाल दी जाए तो वो वापस छोटा हो जाएगा। लेकिन उसके मुंह में दवा डालेंगे कैसे? मुझे दवा पिलाने का 20 साल का तजुर्बा है। तुम दोनों चिंगम के साथ छोटा की फ्लाइंग कार में उड़ के जाना और उसके मुँह में दवा डाल देना। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। मोटू, पूरा पुरपुरी नगर की इज्जत तुम दोनों के हाथ में, मना मत करो। करो 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 मत करो। मच्छर में बैठ के मुझसे मुकाबला करने आए हो? मच्छर की तरह फसल के रख देना। भागो, जान बचाओ। चिंगम सर, जॉन ने सारे बैंक लूट लिए। चिंगम सर उसने हमारी सारी ज्वेलरी शॉप्स लूट ली। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, लेकिन जब तक वो छोटा नहीं हो जाता उसको गिरफ्तार भी नहीं कर सकता। इतनी बड़ी जेल नहीं है मेरे पास। नहीं है। ओए मैंने ये मिसाइल बनाई है, इसके अंदर वही दवा है जो जॉन के मुंह में चली जाए तो वो वापस से अपनी साइज का हो सकता है। हाँ बुढ़ी बाबा, ऐसा निशाना लगाना तो बहुत मुश्किल है। किसी ना किसी को तो ये मिसाइल जॉन के मुंह में ले जाना पड़ेगा। लेकिन जाएगा कौन? मोटू पतलू, इस मिसाइल के ऊपर दो नट बोल्ट है, उन्हें टाइट कर दो। बचाओ!
ये दोनों बहुत बहादुर हैं। जॉन के मुंह में मिसाइल डालने के लिए खुद मिसाइल ले गए। I salute you, मोटू पतलू। You are great। तुम जैसे लोग हजारों सालों में एक बार ही पैदा होते हैं। We all salute you। We all salute you। ओए मोटू मेरे यार, मेरे पाई, मेरे प्रा, हमारे लिए अपनी जान क्यों खतरे में डाली? यही रहेंगे, मैं तो सन्यास ले रहा हूँ। अरे सन्यासी, तुम यहाँ रहोगे तो समोसे कैसे खाओगे? चाय वाले को भी यही बुला लेते हैं, देखो कितनी शांति है। देखो मोटू पतलू, कभी हार नहीं मानते, मिसाइल को जॉन के मुंह में लेके जा रहे हैं। बॉस हंसना बंद करो, वो वापस आ रहे हैं। सचमुच बड़े बहादुर हैं वो। बॉस बॉस रुको रुको, चक्कर आ रहे हैं। एक एक को देख लूंगा, पहले मोटू पतलू कहाँ है? छोड़ो।